दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमें अभी से कुछ ही घंटों के बाद WWE का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट सर्वाइवर सीरीज देखने को मिलेगा। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ, रोमन रेंस का सर्वाइवर सीरीज के अंदर विन और लॉस का रिकॉर्ड, अभी तक रोमन रेंस ने सर्वाइवर सीरीज के अंदर कितने मैचेस रेसल किए हैं। और दोस्तों, बगैर टाइम वेस्ट किए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और इस वीडियो का लाइक टारगेट मैं रखूंगा 25 यार, ये तो पूरा कर दो भाई, इतना आसान है। और अब वैसे भी मैंने प्रेडिक्ट किया था कि बैकी लिंच जो है वो अपना रिटर्न करेंगी और बियांका ब्लेयर की टीम को ज्वाइन करेंगी, तो आज तो स्मैकडाउन के ऊपर ये चीज़ भी होगी, तो फिर तो लाइक बनते हैं ना। खैर, अब बगैर टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और रोमन रेंस ने अपने फैक्शन द शील्ड के साथ डेब्यू ही WWE के मेन रोस्टर के ऊपर सर्वाइवर सीरीज के प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर किया था, जब उन्होंने CM Punk और रायबैक के मैच के दरमियान शील्ड ने आके अपनी डिस्ट्रक्शन की थी, और इसकी वजह से CM Punk जो थे वो अपना मैच जीत गए थे और उन्होंने WWE चैंपियनशिप रिटेन कर ली थी। लेकिन उस टाइम पर इस चीज़ का अंदाज़ा किसी को भी नहीं था कि ये फैक्शन शील्ड, जो कि 2012 की सर्वाइवर सीरीज़ के अंदर अपना डेब्यू कर रही है एक तरीके से और CM Punk की मदद कर रही है, लेकिन उस टाइम पर ये अंदाज़ा किसी को भी नहीं था कि आने वाले सालों के अंदर ये फैक्शन जो है ये WWE और प्रो रेसलिंग के अंदर कितना बड़ा धमाका करने वाली है। और उसके बाद आगे तो आप लोगों को खुद पता है कि रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस और फिर डीन एम्ब्रोस ने रेसलिंग वर्ल्ड के अंदर कितनी धूम मचाई। 12 दोस्तों, सर्वाइवर सीरीज के अंदर रोमन रेंस ने अपना पहला ऑफिशियल मैच जो रेसल किया था वो था 2013 सर्वाइवर सीरीज पे पर व्यू के अंदर, और इस मैच के अंदर एक 5-on-5 टैग टीम मैच था जहाँ पर एक तरफ थी शील्ड की टीम और इनको ज्वाइन किया था सिजारो और जैक स्वैगर ने, और ये लोग फेस कर रहे थे अपने ही कजन यानी कि रोमन्स की कजन उसोस और रे मिस्टीरियो, कोडी रोड्स और गोल्डस्ट को। और इस मैच के अंदर रोमन रेंस जो थे वो थे सोल सर्वाइवर और उन्होंने अपनी टीम को जितवाया था और सबसे ज्यादा एलिमिनेशन की थी, 4 एलिमिनेशन रोमन रेंस ने इस मैच के अंदर की थी। इसके बाद जो अगली दफ़ा हमने रोमन रेंस को सर्वाइवर सीरीज के प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर देखा था वो था सर्वाइवर सीरीज 2015 के अंदर। 2014 की सर्वाइवर सीरीज में रोमन रेंस नहीं थे, एक वीडियो पैकेज के थ्रू रोमन रेंस थे सर्वाइवर सीरीज के अंदर, लेकिन वैसे रोमन रेंस ने कोई भी मैच रेसल नहीं किया था, ना ही वो सर्वाइवर सीरीज के प्रीमियम लाइव इवेंट 2014 में जो हुआ था उसमें आए थे, क्योंकि उस टाइम पर रोमन रेंस को एक ऑपरेशन करवाना पड़ा था, जिसकी वजह से रोमन रेंस जो थे वो 3 से 5 महीने के लिए हो गए थे रेसलिंग से आउट। और इसके बाद अगले साल रोमन रेंस को सर्वाइवर सीरीज 2015 के अंदर रेसल करने का मौका मिला था, और ना सिर्फ एक दफ़ा बल्कि 3 दफ़ा रोमन रेंस ने इस सर्वाइवर सीरीज़ के अंदर रेसल किया था, यानी कि 2015 की सर्वाइवर सीरीज़ के खाली इसी एक दिन के अंदर रोमन रेंस ने 3 मैचेस रेसल किए थे। उस टाइम पर WWE का WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप के लिए टूर्नामेंट चाह रहा था, क्योंकि सेथ रॉलिंस हो गए थे इंजर और उन्होंने अपनी चैम्पियनशिप को रिलिंक्विश कर दिया था, और इसी वजह से WWE ने एक टूर्नामेंट रखा था जिसके कुछ मैचेस और फाइनल जो थे वो सर्वाइवर सीरीज 2015 के अंदर होने थे, और यही वजह थी कि रोमन रेंस ने 3 मैचेस रेसल किए थे। सबसे पहला मैच उन्होंने अल्बर्टो गरियो के खिलाफ रेसल किया और इस मैच के अंदर रोमन रेंस ने अल्बर्टो गरियो को हरा दिया था। दूसरा मैच जो था वो अपने ब्रदर ग्रीन एम्ब्रोस के खिलाफ उन्होंने रेसल किया, और ये मैच जो था वो फाइनल था उस टूर्नामेंट का, WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच था। और इस मैच के अंदर रोमन रेंस ने डीन एम्ब्रोस को हरा के पहली बार WWE चैंपियनशिप भी जीती थी, लेकिन उनकी ये चैंपियनशिप जीतने की खुशी ज़्यादा देर रह नहीं पाई थी, क्योंकि उसी टाइम पर शेमस ने अपना मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट कैश इन कर लिया था, और रोमन रेंस को चैम्पियन हुए बने हुए सिर्फ 3 ही मिनट हुए थे कि शेमस ने रोमन रेंस को एक और मैच के लिए बुक कर दिया, और उस मैच के अंदर शेमस ने रोमन रेंस को हरा दिया था। इसके बाद रोमन रेंस ने नेक्स्ट ईयर सर्वाइवर सीरीज 2016 के अंदर भी रेसल किया था, और इस टाइम पर रोमन रेंस जो थे वो टीम रॉ का हिस्से थे जो कि फेस कर रही थी टीम स्मैकडाउन को, और रोमन रेंस जो थे वो टीम रॉ की तरफ से सोल सर्वाइवर थे, यानी कि आखिरी बंदे थे जो कि एंड तक टिके रहे, और इस मैच के अंदर भी रोमन रेंस को अनफॉर्चुनेटली हार का सामना करना पड़ा था ब्रे वाइट के अगेंस्ट, जब रोमन रेंस अपना स्पेयर मूव जो थे वो ब्रे वाइट को लगाने जा रहे थे, लेकिन
रैंडी ओर्टन जो थे उन्होंने रोमन रेंस की अटेंशन ग्रैब की और स्पेयर जो था वो रैंडी ओर्टन को लग गया और ब्रे वायन ने अपना फिनिशिंग मूव लगा के रोमन रेंस को पिन कर दिया। तो अभी तक जो 2013 से लेकर 2016 तक की सर्वाइवर सीरीज हुई इसके मुताबिक रोमन रेंस का विन और लॉस रिकॉर्ड जो है वो सर्वाइवर सीरीज के अंदर 3-2 का चल रहा है। और इसके बाद 2017 की सर्वाइवर सीरीज़ के अंदर रोमन रेंस जो थे वो अपने पुराने भाइयों के साथ एक टैग टीम के अंदर थे जहां पर शील्ड का रिटर्न हुआ था, रीयूनाइट हुई थी शील्ड और उन्होंने फेस किया था न्यू डे को और इस मैच के अंदर रोमन रेंस और शील्ड ने न्यू डे को हरा दिया था। 2018 सर्वाइवर सीरीज़ का हिस्सा रोमन रेंस नहीं बन सके थे क्योंकि उस टाइम पर रोमन रेंस को हो चुका था लुकीमिया दोबारा से और वर्ल्ड को बता चुके थे कि उन्हें लुकीमिया हो गया और इसी वजह से वो रेसलिंग से हो गए थे एक साइड पर और उसी दौरान ही सर्वाइवर सीरीज़ 2018 का प्रीमियम लाइव इवेंट भी आया था और इसी वजह से वो उसके अंदर हिस्सा नहीं ले सके थे। इसके बाद 2019 की सर्वाइवर सीरीज़ के अंदर रोमन रेंस अवेलेबल थे और वो हिस्सा थे टीम स्मैकडाउन का और ये सर्वाइवर सीरीज़ काफ़ी ही यूनिक थी क्योंकि इस सर्वाइवर सीरीज़ के अंदर पहली बार NXT का ब्रांड जो था वो भी हिस्सा ले रहा था और मैचेस कुछ इस तरह थे कि टीम रॉ वर्सेस टीम स्मैकडाउन वर्सेस टीम NXT और इस मैच के अंदर रोमन रेंस जो थे वो टीम स्मैकडाउन को लीड कर रहे थे और रोमन रेंस ने अपनी टीम स्मैकडाउन को टीम रॉ और टीम NXT के खिलाफ मैच भी जितवाया था। और इस कैंप तक जो रोमन रेंस का करेक्टर था वो बिग डॉग वाला था, वो फेस करेक्टर था जो कि लोगों से चीयर्स ले रहे थे, लोगों का एक बेबी WWE के बेबी फेस थे वो काफ़ी ज़्यादा। लेकिन 2020 की सर्वाइवर सीरीज जब आई तो तब तक रोमन रेंस जो थे वो अपना हेड ऑफ द टेबल ट्राइबल चीफ वाला इमेज जो थे वो इंट्रोड्यूस करवा चुके थे और ना सिर्फ इंट्रोड्यूस करवा चुके थे बल्कि वो यूनिवर्सल चैम्पियन भी बन चुके थे और उन्होंने अपना पहला जो हेड ऑफ द टेबल का पहला सर्वाइवर सीरीज का मैच था वो उन्होंने रेसल किया था अगेंस्ट WWE चैम्पियन ड्रू मैकइंटायर के खिलाफ और इस मैच के अंदर रोमन रेंस ने ड्रू मैकइंटायर को हरा दिया था। इसके बाद जो नेक्स्ट ईयर 2021 की सर्वाइवर सीरीज हमें देखने को मिली इसके अंदर रोमन रेंस ने जो मैच रेसल किया था वो था बिगी के खिलाफ और इस मैच के अंदर रोमन रेंस ने बिगी को हरा दिया था। कोई चैंपियनशिप के लिए मैच नहीं था बल्कि दो ब्रांड्स का जिस तरह टीम रॉ और टीम स्मैकडाउन के मैचेस थे इसी तरह ये रॉ वर्सेस स्मैकडाउन का मैच था। रोमन रेंस जो थे वो स्मैकडाउन को प्रेजेंट कर रहे थे यूनिवर्सल चैंपियन के तौर पर और बिगी जो थे वो रॉ को प्रेजेंट कर रहे थे WWE चैंपियन के तौर पर और इस मैच के अंदर रोमन रेंस ने बिगी को हरा दिया था। और अब 2022 की सर्वाइवर सीरीज़ के अंदर रोमन रेंस जो हैं वो बहुत ऐसे WWE और ऐसे यूनिवर्सल चैम्पियन जो हैं वो वॉर गेम के अंदर उतरेंगे अपने सर्वाइवर सीरीज़ के रिकॉर्ड को ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए। तो अभी तक रोमन रेंस जो हैं वो सर्वाइवर सीरीज़ के प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर सिर्फ 2 ही मैचेस हारे हैं और काफ़ी इंप्रेसिव रिकॉर्ड है रोमन रेंस का। अगर मैं सर्वाइवर सीरीज़ के सबसे ज़्यादा विंस की बात करूं तो मेरे ख्याल से अंडरटेकर के पास हैं सबसे ज़्यादा विंस, जिस तरह समर स्लैम की विंस भी जो हैं सबसे ज़्यादा अंडरटेकर के पास है। इसी तरह सर्वाइवर सीरीज के अंदर भी कुछ इस तरह की सिचुएशन है। बहरहाल इस चीज़ के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। बहरहाल दोस्तों जैसे कि मैंने कहा था कि मैं सर्वाइवर सीरीज से पहले पूरी कोशिश करूंगा कि रोमन रेंस के सर्वाइवर सीरीज के विन और लॉस रिकॉर्ड के ऊपर एक वीडियो बनाऊं और एग्जैक्टली इस तरह मैंने बना भी दी है। रोमन रेंस का जो सर्वाइवर सीरीज का दोबारा रिपीट करता चलूं जो विन और लॉस का रिकॉर्ड है वो है 7-2 का। 7 मैचेस रोमन रेंस ने अभी तक सर्वाइवर सीरीज के अंदर जीते हैं और 2 मैचेस जो हैं वो हारे हैं। फिर दोस्तों मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।